हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद जानते हैं साहब, 8 दिन हो गए हैं, कब तक चलेगा? और पीपल्स पार्टी जब आई, फिर हुकूमत आई, तो क्या रद्द अमल रहा और क्या था उन्होंने? देखिए जी, असल चीज़ है कॉज, और सबसे बड़ा कॉज ये है कि सुबह सिंह कराची जैसा शहर और ओवरऑल पूरे मुल्क में देखा जाए तो नज़र ये आता है कि लोग जमहूरियत से इस्तेफादा हासिल करने के बजाय, उससे मुस्तफ़ीद होने के बजाय लोग जो है और मसाइल का शिकार हो रहे हैं। जमहूरियत ज़रूरी है, लेकिन जमहूरियत अच्छे लोगों के हाथ में, जमहूरियत जब फ्रीडम्स के हाथ में आ जाती है, जमहूरियत जब बड़े सरमाएदार के हाथ में आ जाती है, वो उसकी सिचुएशन ऐसे बनती है जो आज के अजाब में, और ख़ासतौर पर वैसे जो इस वक्त पाकिस्तान की पार्टी के फ्रीडम्स के हाथों में रखे, आज पानी जैसे अजाब में पड़ा है, आज बिजली जैसे मुसीबत में पड़ा हुआ है, आज सैलरीज का सिस्टम प्रॉपर नहीं है, एजुकेशन हेल्थ कबाली का शिकार है, आज लोग रोजाने की बुनियाद पर एहतजाज कर रहे हैं, आज घर में बच्चे मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है कराची में, जिला और सिविल के अलावा जो बर्फों पहले बनाया गया था कोई हॉस्पिटल नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये बुनियादी चीज़। अगर इन बुनियादी चीज़ों को हुकूमत पूरा नहीं कर सकती और हुकूमत लूट मार में लगी है, करप्शन में लगी हुई है, NFC के हवाले से इस वक्त तमाम सूबों को इजाफी पैसा मिल रहा है, और वो इजाफी पैसा सुबह सिंध में 900 अरब रुपये मिला है इन 4 सालों में। अगर इन 900 अरब रुपए को सर्च किया जाता तो आज कई हॉस्पिटल होते, कई कॉलेज यूनिवर्सिटीज होती, आज पानी का मसला पैदा नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन वडेरों ने जो कहते हैं कि जी जमहूरियत के नाम पे हुकूमत कर रहे हैं, दरअसल सिंध में ये हुकूमती माफिया है जो कि आने वाले पैसे को अपनी जेब में डालती है और अपने, अच्छा सर, हर साल मतलब हर 5 सालों में देखा जाता है कि जब हुकूमत आती है तो आखिरी के 1 साल पहले जो है काम शुरू होना शुरू हो जाता है, फिर इलेक्शन आते हैं तो बस 1 साल पहले तक काम होता है, तो मतलब बाकी के पैसे कहाँ जाते हैं? और सिंध हुकूमत ने अभी आपका कॉन्टेक्ट है तो क्या कह रही है, कब तक ये वो आपकी शर्तें मानेगी? और आपकी शर्तें जो है वो बिल्कुल जायज़ हैं, ठीक है, आपके साथ बल्कि और पार्टियाँ आपको सपोर्ट कर रही हैं इन शर्तों पर, क्योंकि तो पूरे कराची का फ़ायदा, पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा है। बदकिस्मती से सुबह सिंध में गुज़्ता 8 सालों में जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था वो हमेशा लेफ्ट होता रहा और यूटिलाइज नहीं किया गया, और अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि कुछ रोडें बनाई जा रही हैं। इस वक्त रोडें बनाना इलेक्शन के वक्त में और उसको अलामती तौर पर दिखाना, मतलब ये नहीं, आपकी बुनियादी चीज़ें क्या हैं? बुनियादी रोडें पानी है, पानी पे कराची में इस वक्त जो है वो 1250 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत है, आपका 25 अरब तक के बोर का मकसद है, ऑलरेडी लैंड अवेलेबल है, आपके पास इंजीनियर मौजूद हैं, कंपनी मौजूद है, आप फेज़ 2 शुरू कर देंगे तो फेज़ 2 शुरू करने से आपका बजट और कम में होगा, 18-20 अरब रुपये के पानी का मसला हल हो जाएगा, आपके पास लाइनें एक्स्ट्रा डलवानी है 4 से 5 अरब रुपये लगेंगे, आपका सेवरेज का निज़ाम तबाह है, आप 15 से 20 अरब रुपये लगेंगे। ये तो इतना बड़ा मामला नहीं है कि जिसके लिए, लेकिन क्या है, एक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का तरीका हुकूमत हमेशा से ये रहा है कि लोगों को गुलामी की तरफ है, लोग पुकारते रहें, चिल्लाते रहें, और ये थोड़ा थोड़ा उनके आगे रोटी डालते रहें, और अपनी हुकूमत को जो कि माफिया की तरफ में कंटिन्यू करें। इस वक्त लोगों के पास सिंध में ऑप्शन नहीं था, अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, माजी में NPM और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ रहा जिसकी वजह से सिंध सूबा और कराची शहर और सवाली की तरफ, पहली दफ़ा हुआ कि उस शख्स को जिसने 4 साल में शहर को बनाया था वो एक विजन रखता है, टेक्निकल आदमी जो ईमानदार आदमी है, वो मुस्तफा कमाल की सूरत में सामने आया, जब सामने आया तो फिर लोगों ने महसूस किया कि मुस्तफा कमाल को सपोर्ट करनी चाहिए। तो 1 साल में अगर ये 500 दिन पार्टी यहाँ तक पहुँची है, ये अल्लाह की तरफ से मुस्तफा कमाल की नेकमती है, उसकी माजी का काम है, और इंशाल्लाह अब सिंध के लोगों को के पास ये ऑप्शन आया, तो अल्टीमेटली मुझे उम्मीद है कि सिर्फ सिंध के शहरी इलाके ही बल्कि सिंध के दही इलाके भी इससे मुस्तफीद होंगे, सिंध में जो जो भी एलिमेंट्स हैं, जिनके भी मसाइल हैं, जिनके भी प्रॉब्लम्स हैं,
ان کو چاہیے کہ اس آپشن کو اویل کریں. اگر آپ اس آپشن کو اویل نہیں کریں گے تو سندھ اور سندھ کی عوام اسی طرح غلامی میں رہے گی, پیپلز پارٹی فیڈل فیڈل پہ مشتمل جماعت ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو جاننا جب سے آپ نے احتجاج کر رہے ہیں پلوامہ احتجاج, ٹھیک ہے, تو اس میں کافی تعداد میں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آ رہے ہیں اور پارٹی کا نام لکھوا رہے ہیں, شمولیت حاصل کر رہے ہیں, تو اس میں مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کافی جتنی تعداد آ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے الیکشن میں کامیاب ہوگی؟ دیکھو جی, ابھی تو ہم الیکشن کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, الیکشن اس سے بڑھ کر مسائل عوام کے ہیں اور یہ بنیادی مسائل اٹھا رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ ان مسائل کی بنیاد پر ہم لوگوں تک جو میسیج پہنچا رہے ہیں ہم اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں کو اویئر کریں کہ ہمارے اتنے عرصے کی جمہوریت میں اگر یہ مسائل حل نہیں ہوئے تو پھر آج تمہارے پاس یہ آپشن موجود ہے. آصف حسنین صاحب, ایک آخری سوال, کہ میئر کراچی کو بھی اختیارات نہیں ملتے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو اختیارات دینے چاہیے؟ میئر کراچی اگر اتنے آنسٹ ہوتے تو آج 16 جو مطالبات ہیں جو 16 مطالبات ہیں ان 16 مطالبات میں سے جو ہمارے تقریباً 8 مطالبات ہیں وہ تو میئر کے فیور میں, میئر ہمارا نہیں ہے, وہ میئر کے فیور میں. جب میئر اتنا آنسٹ ہوتا تو میئر تو چل کر آتا اور ہاتھ پکڑ لیتا, میں سوال سوال کی کہ آپ میری آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ سب گٹھ جوڑ ہے پیپلز پارٹی اور ایل کے ایم کا. میئر صاحب انتہائی کرپٹ آدمی ہے, ماضی میں 2013 میں اس کو الطاف خان صاحب نے ٹکٹ اس لیے نہیں کیا کہ اس پر ثابت ہو گیا تھا ماضی کی 2 دفعہ حکومتوں میں وہ منسٹر ہے اور کرپشن کر کے دولت کمائی, دبئی اور دیگر جگہوں پہ انہوں نے ہوٹل بنائے, یہاں پہ اپنی جائیدادیں بنائی. ایک کرپٹ آدمی کو اگر آپ نے میئر بنایا ہے اور کراچی میں کوئی مستوی کمال ایم کیو ایم کو نہیں ملا تو ایم کیو ایم کی نیت کمزور رکھے گا.